चलिए बनाते हैं अमृतसर ढाबा स्टाइल वाला छोले, एकदम बेहतरीन, तरोताजा, स्वाद मिलने वाला, बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो। चलिए। हाय एवरीवन, रेहाना किचन में आप सभी का स्वागत है। कैसे होंगे? उम्मीद होगा सब बढ़िया से होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने छोले की तो कई रेसिपी डाली है, आज मैं अमृतसर वाले ढाबे स्टाइल चने के छोले की रेसिपी डालने जा रही हूँ। बिना स्किप किए हुए आप देखिएगा। जिसके लिए मैंने 250 ग्राम चने ले लिए थे, वाइट वाले मीडियम साइज़ के चने थे, और इसको मैंने ओवरनाइट कर दिया था। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कम से कम 4-5 घंटे गर्म पानी में इसको छोड़ दीजिए, अच्छे से फूल जाएंगे। तो देखिए, मेरे रात भर ओवरनाइट में चने बहुत अच्छे से फूल चुके हैं। मैंने इसको 4 से 5 पानी अच्छे से धो के एक बर्तन में हमने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है, और इसको चलते हैं हम उबालने। उबालने के प्रोसेस में सबसे पहले हमें मेन इम्पॉर्टेंट होता है छोले का कलर और टेस्ट। तो कलर लाने के लिए फ्रेंड्स, एक सीक्रेट होता है जो सभी को नहीं पता होता है। तो इसमें सबसे पहले हम एक बाउल्स लेंगे और उसमें चाय पत्ती उबालेंगे। तो चलिए फटाफट गैस पे उबालते हैं। एक बाउल्स ले लेंगे और लगभग 2 गिलास पानी, जितना हम चने उबालने के लिए डालेंगे उतना हम पानी डाल देंगे, 1.5 से 2 गिलास, और 1 से 2 चम्मच हम चाय पत्ती डालेंगे। वैसे तो चने उबालने के टाइम आप पोटली भी बना के डाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट इसी से होता है। तो हम यहाँ पे चाय पत्ती डाल देंगे और चाय पत्ती को बहुत अच्छे तरीके से 4-5 मिनट तक हाई फ्लेम पे उबलने देंगे, ताकि इसका एकदम बेहतरीन सा कलर आ जाए। तो हम चाय पत्ती को उबाल लेते हैं अच्छे से। चाय पत्ती देखिए एकदम बेहतरीन तरीके से उबाल आ रही है। इस तरीके से जब उबलने लगे तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और चाय पत्ती का पानी को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब नॉर्मल ठंडा होगा तो फिर हम इसको दिखाएंगे। एक कुकर ले लेंगे, उसमें सारे हम चने डाल देंगे। चने हमने डाल दिए, कुछ खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसाले डालूंगी, तेज पत्ते हैं, दालचीनी का 1 से 2 टुकड़े ले लेंगे, छोटी इलायची खड़े ले लेंगे, और 2 लौंग डालेंगे। इसलिए मैं डालूंगी क्योंकि इसको उबालने के बाद हम आसानी से निकाल सकते हैं। खड़े मसाले जब मुंह में जाते हैं तो लोगों को कभी पसंद आते नहीं आते हैं, तो इसलिए हम उबालते टाइम डालेंगे ताकि बिल्कुल आसानी से इसको निकाल लें। 1 चम्मच नमक डाल देंगे उबालते ही टाइम। बेकिंग सोडा है 1 चम्मच डाल देंगे, ताकि चने एकदम अच्छे से एक बराबर उबलेंगे। तो 1 चम्मच छोटे चम्मच से, मैंने देखिए एकदम हाफ चम्मच से थोड़ा ऊपर लिया। चाय पत्ती का पानी है जो, उसको हम छन्नी से छान देंगे। देखिए कितना बेहतरीन कलर आया है फ्रेंड। यही ट्रिक होता है होटलों में, जो बहुत बेहतरीन कलर छोले का आता है। कोई चम्मच लेके इसको अच्छे से चला देंगे। पानी अगर कम है तो पानी और डाल के, और फ्रेंड्स हम 3 सीटी लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने सोडा डाल रखा है। तो 3 सीटी में छोले एकदम परफेक्ट गल जाते हैं। तो चलते हैं फटाफट लगाने। जब तक चने उबल रहे हैं, हम इसका एकदम बेहतरीन वाला मसाला बना लेते हैं। मसाले बनाने के लिए फ्रेंड्स, हमने आम का सूखा हुआ जो पाउडर, आमचूर पाउडर होता है, बहुत खट्टा वाला टेस्ट, वो ले लेंगे। इसको हम 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम रखेंगे। 1/2 चम्मच चाट मसाले हैं, 1/2 चम्मच काला नमक है। ये तीनों मसाले जब मिक्स हो जाते फ्रेंड्स, छोले इतने लाजवाब बनेंगे कि आप हैरान हो जाओगे कि तीनों का टेस्ट क्या लेके आता है। 1 चम्मच में मिर्ची पाउडर डालूंगी, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच छोले मसाले। ये घर पे बनाए हुए हैं 1/2 चम्मच मसाले, इसमें सारे मसाले हैं। 1/2 चम्मच नमक डालेंगे क्योंकि नमक हम छोले में भी पहले से डाल रखे हैं। 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा कलर आता है। तीखा कम होता है लेकिन कलर एकदम छोले का परफेक्ट होता है, तो 1 चम्मच ज़रूर डालेंगे। इस तरह की मैगी मसाले छोटे आते हैं, 1 चम्मच ज़रूर शामिल करिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है छोले में। फ्रेंड मैं ज़रूर डालती हूँ मैगी मसाले 1 चम्मच। सारे मसालों का ये राज होता है, आप किसी सब्जी किसी चीज़ में एक बार आप डाल के देखो, अलग टेस्ट मिलेंगे। तो 1/2 चम्मच मैं मैगी मसाला डालूँगी।
ये हींग है, हींग भी इसमें से थोड़ा सा 1 पिंच डालूंगी। 1 कसूरी मेथी है, थोड़े अनार के दाने हैं, अगर आपके पास है तो बहुत ज़रूरी है डालिएगा। मैं दोनों डाल रही हूँ इसमें, कसूरी मेथी और अनार के दाने, और इसको मिक्स करके हम साइड में करते हैं। कुकर हमारा 3 सीटी दे दिया है, उसको ठंडा करते हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए एकदम परफेक्ट छोले हो गए हैं। इसको बिल्कुल इस तरह दबाने पे इसको हमें मसलना नहीं है, बहुत अच्छे पक जाएंगे छोले, तो एकदम बिना मसले ही एकदम बेहतरीन ढाबे स्टाइल होंगे। तो सबसे पहले गैस पे हम कढ़ाई रखते हैं, फटाफट चलते हैं छोले को बनाने। खड़े मसाले थे उसको हमने निकाल लिया है, इसको निकाल लीजिएगा। वैसे तो इसका जो भी टेस्ट, जो भी स्वाद और विटामिन होते हैं सब उबलने के समय ही निकल जाते हैं, तो इससे बच्चे या बड़े भी पसंद से खाते हैं, इसलिए हम इसको निकाल लेते हैं। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है, हम बनाएंगे फ्रेंड्स सरसों ऑयल में, बहुत बेहतरीन छोले बनेंगे, इसलिए हम 3 से 4 चम्मच तेल सरसों का ही डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म होने लगेगा, इसमें थोड़ा सा हम जीरा डाल देंगे, जीरे को अच्छे से चटकने देंगे। जीरा जैसे चटकेगा फ्रेंड्स, हमने एक बड़े साइज का प्याज को पीस के रख लिया है, प्याज ज़रूरी है इसलिए आप ज़रूर पीसिएगा। जीरा चटकने लगा है, हम प्याज को डाल देंगे, और प्याज में बहुत अच्छा कलर आने तक इसको हम इस तरीके से भूनते रहेंगे। आप चाहो तो खड़े प्याज भी डाल सकते हैं छोले के उबलने के टाइम, लेकिन इस तरीके से मैंने एक बार उस तरीके की रेसिपी बनाई है छोले की, इसलिए इस बार कुछ नए तरीके से बनाऊँगी। उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट पीस लिया है, इसको भी डाल देंगे, और दोनों को 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हम भूनेंगे। प्याज का अच्छा कलर आने के लिए हल्का सा हम नमक डालेंगे, नमक आप ज़रूर डाल के देखिएगा, प्याज का इतना अच्छा कलर आ जाएगा भूनते टाइम कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। प्याज का कलर अच्छा आने लगा, देखिए भून, तो मैं यहाँ पे खड़ी हरी मिर्च है 5-6 डाल दूँगी इसी स्टेज पे। देखिए भून चुका है, हमने 2 टमाटर पीस के रख लिया है, इसको भी डाल देंगे और साथ में ही भूनेंगे। टमाटर और वो मसाले जो भी प्याज के हैं सब भून चुके हैं, तो ये जो हमने मसाले बना के रखे हैं इसको डाल देंगे, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना बेहतरीन कलर आ रहा है फ्रेंड्स, आप खुद हैरान हो जाओगे कि इतनी बेहतरीन आपके छोले घर पे कैसे बनते हैं। तो आप बिना स्किप किए हुए ही देखिए कि इतनी बेहतरीन ये छोले बनेंगे कि आप खुद हैरान हो जाओगे, और जो आपके हाथ का खाएगा वो तो तारीफ़ करते नहीं थकेगा। थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और अच्छे से मसाले को हम भून लेते हैं। मसाले अच्छे से भून चुके हैं, अब छोले इसमें हम डाल देंगे, और इसको हम अच्छे से देखिए चलाएंगे, छोले इतने बेहतरीन बनेंगे फ्रेंड्स। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया, जो हमारा चाय पत्ती वाली पानी जो उबाल के रखे थे वही पानी है, वही हम पानी इसमें डाल देंगे, और देखिए कितना बेहतरीन कलर आया हुआ है फ्रेंड्स। और छोले को हम बिल्कुल नहीं मसलेंगे, क्योंकि छोला हमारा इतना बेहतरीन गल चुका है कि हमें इसे मसलने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ़ हाथों से ऐसे कर दीजिए, एकदम परफेक्ट गला हुआ है। इसमें एक अच्छा सा उबाल आने देते हैं। जब इस स्टेज पे कोई बर्तन में निकाल लेंगे फ्रेंड्स, अगर बटर है तो बटर, नहीं तो देसी घी ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छे टेस्ट आएंगे। ऊपर से धनिया का और भी गार्निश कर देंगे, और ये छोले आपके लाजवाब होटल, ये मेरी गारंटी है कि होटल से भी बेहतरीन बनेंगे। आप खुद ट्राई करिएगा और मेरे को बताइएगा कि आपके छोले कितने बेहतरीन बने हैं, मेरे किचन में तो बहुत बेहतरीन बने हैं। चलते हैं हम चावल और रोटी के साथ खाने।